वैसे में तो हमारा हर गेमिंग अपडेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होता ही है, जिसे आप देख के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो, लेकिन आज का ये गेमिंग अपडेट वीडियो थोड़ा स्पेशल है। मगर क्यों? क्योंकि आज इस वीडियो से ऐसे गेम के बारे में आपको पता चलेगा जो अभी तक आपको कोई बताया भी नहीं और आगे जाके कोई बताएगा भी नहीं। तो ऐसे कौन कौन से अपडेट्स हैं उसे जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली रीति रिवाज को फॉलो करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर दो इन सब अपडेट को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनसे आप थैंक यू सुन पाओ। तो करना, तो सबसे पहले नए नए गेम से शुरू करते हैं जिससे आप डाउनलोड कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन बहुत सारे गेम्स जो है हमारे इंडियन प्ले स्टोर पर रिलीज नहीं हुआ है, तो डाउनलोड करना भी आपको सिखा देंगे। सबसे पहला गेम आता है जिसका नाम है मेचा डोमिनेशन रैम्पेज। अगर आप हमारे सभी वीडियोस को देखते होगे तो आपको पता होगा इस गेम के बारे में, आपको बताए भी थे, जिसका प्री रजिस्ट्रेशन जो है अभी भी प्ले स्टोर पे चल रहा है। तो अगर आपको प्री रजिस्टर करना है तो फटाफट से जाओ सर्च करो इस गेम को प्ले स्टोर पे, प्री रजिस्टर तो कर पाओगे, लेकिन अभी से ही अगर आपको इस गेम को खेलना है तो उसके लिए आपको टैप टैप में जाके इस गेम को सर्च करना पड़ेगा। वहां से आप इस गेम को बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर पाओगे, जिसका लगभग साइज है 1.16 GB। इन गेम आपको कुछ 8 से 9 MB डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाके आप फुल्ली इस गेम को खेल पाओगे। और गेम को खेलने के लिए आपको VPN यूज करने का जरूरत नहीं, तो सिंपल आपको एक बार डाउनलोड करना है, उसके बाद खेलते हुए एंजॉय करना है। अगर आप पूछोगे गेम कैसा है, गेम ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। अगर आपको स्ट्रेटेजी गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसमें आप बिल्ड कर पाओगे, ट्रेन कर पाओगे ट्रूप्स को, साथ में दूसरे बेस को अटैक करना आपको पसंद है, तो ये गेम आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सिंपल से एग्जाम्पल दे के बताऊं तो क्लास ऑफ क्लेंस, लेकिन इसमें आपको रोबोटिक डायनासोर का भी एक्सेस मिल जाएगा। गेम को पब्लिश किए 37 गेम्स, तो आने वाले दिनों में ये गेम इंडिया में जरूर आ जाएगा, लेकिन कब आएगा इसका अनाउंसमेंट तो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम 21 अप्रैल में तो पहुंच चुके हैं और इस महीना को एंड होने में करीबन 9 दिनों का समय है, लेकिन इस 9 दिन में बहुत सारे मोबाइल गेम रिलीज होने को है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ब्लू लॉक PWC गेम के लिए, जो ब्लू लॉक सीरीज के ऊपर होने वाला है। और जो भी इस सीरीज को देखे होंगे इस गेम के लिए जरूर एक्साइटेड होंगे, जिसमें हम अलग अलग कैरेक्टर को यूज कर पाएंगे स्पेशल पावर के साथ। तो ये गेम रिलीज होने जा रहा है 24 अप्रैल को, यानी आज से करीबन और 2 दिन बाद। लेकिन इस गेम को साइड रख दे तो और भी काफी सारे गेम्स जो है इस महीने रिलीज होने को है, जो आप लिस्ट ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो, एक एक करके आपको बता देता हूँ। कल रिलीज होगा सीक्रेट लैंड एडवेंचर, देन 23 अप्रैल को रंबल क्लब, क्रिस्टल नाइट्स 24 अप्रैल को, और उसी दिन और 2 गेम रिलीज होने को है, एक है ब्लू लॉक PWC और है एमी कार्निवल। 25th को सागा एमरलैंड बियॉन्ड लूप हीरो यूजीवर्स आइडल गोस्ट गर्ल AFK RPG रंबल लीजेंड पॉकेट हीरोस एक्सेसल लैंड एडवेंचर RPG योल्क हीरोस ये लॉन्ग टामागो ब्रेल्ड यूनिवर्स एडिशन। और आखिरी वाला गेम होगा जो 30 अप्रैल को ही जाके लॉन्च होने वाला है, उसका नाम है Method 2 Secret and Death। और इनमें से कुछ कुछ गेम्स जो है सिर्फ और सिर्फ iOS के लिए रिलीज होगा, और कुछ कुछ ऐसे गेम्स भी है जो इंडिया में रिलीज नहीं होने वाले। तो जो भी रिलीज डेट आप गेम के बारे में जाने हो, उस हिसाब से आप कौन से गेम के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके ना जरूर बता देना। तो अगर आपको समुंदर में एडवेंचर करना है और सोचो एडवेंचर करते करते अगर खो जाओ तो उसके बाद क्या करोगे, ऑब्वियसली सर्वाइव आपको करना होगा। और इससे रिलेटेड गेम्स आपको बहुत सारे मोबाइल डिवाइस में मिल जाते हैं, लेकिन एक यूनिक टाइप का अगर आपको गेम खेलना है तो इस गेम को ट्राई कर सकते हो, जिसका नाम है एज ऑफ सी। अभी तो इस गेम को इंडिया में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन आप इसे टैप टैप से जरूर डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लगभग साइज है 327 MB। कुछ दिनों से इस गेम को हम ग्राइंड कर रहे हैं और खेलने में तो थोड़ा बहुत मजा तो जरूर आ रहा है। वेनस प्ले टेक्नोलॉजी लिमिटेड की तरफ से इस गेम को पब्लिश किया गया है अभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ US और हांगकांग में। तो अगर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, VPN कनेक्ट करो इन सब सर्वर में और आराम से आपको गेम मिल जाएगा। लेकिन यार उतना झंझट कौन करेगा, सीधे जाओ टैप टैप से और गेम को डाउनलोड कर लो। और गेम का कुछ ऑन स्क्रीन पिक्चर देख के गेम के बारे में अभी तक तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल चुका होगा। अगर आपको स्ट्रीट फाइटर ड्यूल गेम खेलना पसंद है अपने मोबाइल डिवाइस में, अभी भी इस गेम को खेलते हुए एंजॉय कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे दोस्तों को इस गेम के बारे में पता ही नहीं होगा। क्रंची रोल के तरफ से करीबन 6 महीना पहले इसे पब्लिश किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में तो पब्लिश नहीं किए हैं। लेकिन बहुत ही आसानी से कहीं से भी अगर आप डाउनलोड कर लेते हो इस गेम को,
आराम से खेल पाओगे। तो फिलहाल इस गेम में टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स का एंट्री होने जा रहा है एक लेटेस्ट कोलैबोरेशन के मदद से, उनके कुछ कैरेक्टर जो है गेम में एक्सेस कर पाओगे, जिसका ऑन स्क्रीन आप ट्रेलर भी देख पा रहे हो। दो कैरेक्टर 17 अप्रैल को ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें से पहला है लियोनार्डो और दूसरा है मिचेलांजेलो। अगर प्रोनाउंसिएशन पे इधर उधर होता है तो चप्पल मार सकते हो कमेंट बॉक्स में। लेकिन 15 मई को और दो कैरेक्टर को आप एक्सेस कर पाओगे, जिनका पहला नाम है राफेल और दूसरा है डोनाटेलो। निंजा टर्टल सीरीज को उतना ज्यादा हमने तो फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से इनके कैरेक्टर के बारे में भी अच्छे से आइडिया नहीं है। लेकिन अगर आप निंजा टर्टल्स के फैन हो तो इस गेम में उनको आप जरूर यूज कर पाओगे। हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है टॉप ट्रूप्स एडवेंचर आरपीजी गेम से। तो उन्होंने फिलहाल अनाउंस कर चुके हैं कि मिस्टर बीस्ट, जी हाँ मिस्टर बीस्ट के साथ कोलाब करेंगे, जिसके वजह से कुछ लिमिटेड इवेंट में भी आप इस गेम में पार्टिसिपेट कर पाओगे। जो चैलेंज जो है आप गेम में 14 दिनों तक कर पाओगे, जिसमें मिस्टर बीस्ट का थीम ऑब्स्टिकल होगा हर लेवल पे, जिसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो मिस्टर बीस्ट का कॉमन शार्ट भी आप ले पाओगे, और ऑब्वियसली कॉमन शार्ट का मतलब है कि मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर भी। तो अगर आप इस गेम को खेलते हो एंजॉय करते हो तो आप सभी के लिए एक बेस्ट मौका ये साबित हो सकता है। यार वेलोरेंट मोबाइल गेम तो आने से रहा, पता नहीं हमारे बच्चे शायद इस गेम को जरूर खेल के एंजॉय कर पाएंगे, और तब हम सोचेंगे उनको बताएंगे कि काश ये गेम अभी रिलीज हो जाता, लेकिन ऐसा तो अभी तक तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारे बच्चे को ही एंजॉय करने देते हैं। लेकिन क्लोन्स को जरूर आप डाउनलोड करके एंजॉय कर पाओगे। रिसेंटली हाइपर फ्रंट के बारे में भी आपको बताए थे, हालांकि उसका ग्लोबल वर्जन का तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन और एक नए क्लोन को आप जरूर डाउनलोड करके अभी एंजॉय कर पाओगे। ये पूरा पूरी तो नहीं मिलता है वेलोरेंट मोबाइल जैसे, लेकिन कुछ हद तक आप उसका एक्सपीरियंस इस गेम से ले पाओगे। जिस गेम की बात करें उसका नाम है अर्बन हीट, काफी सारे इससे रिलेटेड आप एड्स भी देख चुके होंगे, तो आप डाउनलोड करके खेल भी लो। अर्ली एक्सेस पे रिलीज हो चुका है ये इंडियन प्ले स्टोर पे, जिसे आप 839 MB में डाउनलोड कर पाओगे। अभी जब हम इस वीडियो को बना रहे हैं 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके खेल चुके हैं, तो अगर आप ऑलरेडी इस गेम को खेल के इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताना ये गेम कैसा परफॉर्म कर रहा है आपके मोबाइल डिवाइस में। सोच रहा हूं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ, तो अगर आप चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना। गेम को पब्लिश किए हैं वन अप गेम्स लिमिटेड, और ऑफ कोर्स ये एक ऑनलाइन अर्बन मल्टीप्लेयर एफपीएस शूटिंग है मोबाइल डिवाइसों के लिए। और इस वीडियो का आखिरी अपडेट आ रहा है, जिसके लिए मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ, क्योंकि इस गेम के ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है कि यार जेनसिड इम्पैक्ट को टक्कर ये गेम दे सकता है। हालांकि इस गेम के बारे में ज्यादा डिटेल तो निकल के नहीं आया है। जेनसिड इम्पैक्ट के बारे में अगर आप जानते हो, खेले वो गेम को, तो आपको पता होगा उसके जो स्टोरी है काफी कलरफुल, और गेम का एनवायरनमेंट भी काफी कलरफुल और फन टाइप का है। लेकिन ये जो गेम आने वाला है जिसका नाम होगा अनएंडिंग ड्वान, वो टोटली डार्क साइड को फॉलो करने वाला है, और गेम प्ले देखने के बाद भी आपको पता चलेगा कि जेनसिड इंपैक्ट जैसा ही है। और काफी सारे दोस्त अभी कमेंट करके बोलेंगे हर गेम जेनसिड इंपैक्ट नहीं होता है, सिर्फ ऑब्वियसली एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे भी इस टाइप के गेम आने वाले दिनों में हम बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं, लेकिन अभी इस गेम का ग्लोबल वर्जन का अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन प्री रजिस्टर जरूर कर सकते हो आप टैप टैप से। तो देखते हैं आगे चल के इस गेम को लेके कुछ भी अपडेट आते ही हम बैठे हुए हैं, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ और बाकी का काम हम पे छोड़ दो। लेकिन उसके साथ साथ अगर वीडियो कहीं भी पसंद आ गया होगा तो फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हुए जाना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।